हे गाइस, रिसेट टीचिंग में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे है आज मेरे पास नोकिया का ये मॉडल TA1010। ओके, इस फ़ोन में दोस्तों यहाँ पे लाइट प्रॉब्लम हो गया है डिस्प्ले का, ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं फ़ोन को ऑन कर रहे हैं और यहाँ पे फ़ोन ऑन हो चुका है और डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा, लिखा हुआ आ रहा है, ये देख सकते हैं नोकिया लिखा हुआ है, लाइट नहीं आ रहा है। ओके, तो आज का इस वीडियो में सॉल्यूशन बताएंगे आपके पास अगर नोकिया 105 है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं नया डिस्प्ले लगाए हैं तो भी लाइट नहीं आया और पुराना डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा पॉइंट देखने को मिल जाता है। इस तरफ से यहाँ पर आपको सेकेंड पॉइंट से जंपर लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको जंपर करके दिखाता हूँ किस तरीके से सॉल्यूशन पा सकते हैं। ये है नोकिया का 105 मॉडल TA1010। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जंपर कर रहा हूँ। आपको भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जंपर ले लिया हूँ सेकेंड पॉइंट से। इसे दोस्तों कहाँ पे अटैच करना है ये बताऊँगा। तो बोर्ड को इस तरीके से घुमा देते हैं, घुमाने के बाद जो जंपर का पॉइंट लगाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पॉइंट है, इस जगह पे एक शोल्डर किया हुआ है, इस पॉइंट पे लगाना है जंपर को। ओके, यहाँ पे देखिए स्पीकर है और यहाँ पे पॉइंट लगाना है, इससे दोस्तों आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं पॉइंट को लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। सोल्डरिंग आपको अच्छे तरीके से करना है और याद रखना है कि इस शोल्डर का जो वायर है कहीं पर टच ना हो ग्राउंड व्राउंड में, नहीं तो फ़ोन शॉर्ट हो सकता है। तो अच्छी तरीके से दोस्तों आप क्लीन करके काम कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सोल्डर कर चुका हूँ, अब फ़ोन को ऑन करके देखते हैं ये लाइट आया कि नहीं आया है इस फ़ोन के डिस्प्ले में। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं नोकिया लिखा हुआ आ चुका है, मतलब डिस्प्ले में जो लाइट का इशू था वो सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।